जहां एक तरफ पूरा भारत राममय हो रहा है, वहीं 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के दिग्गज नेता, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने राम मंदिर कार्यक्रम को बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बताकर न जाने का फैसला किया, जिसे आप कांग्रेस के इस ऑफिशियल लेटर में देख सकते हैं। इसी बीच बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को जमकर लताड़ा। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। जब सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 24 अप्रैल 1951 को जाम साहब दिग्विजय सिंह, जो कि उस समय सौराष्ट्र के प्रमुख थे, यानी लाइक टेक्निकली द चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने जब इनवाइट किया तो नेहरू जी ने क्या लिखा था मैं बताना चाहता हूं, इसलिए कि कांग्रेस उसी परंपरा में चली आ रही। उन्होंने लिखा कि इस कठिन समय में समारोह के लिए मेरा दिल्ली से आना संभव नहीं है, पर आगे महत्वपूर्ण बात है, इस समारोह के बारे में मैं अपने विचार साफ कर देना चाहता हूं। मैं इस पुनरुत्थानवाद से बहुत परेशान हूं। मेरे लिए बहुत कष्टकारक है कि मेरे राष्ट्रपति और मेरे कुछ मंत्री और राजप्रमुख के नाते आप, राजप्रमुख मतलब उस समय चीफ मिनिस्टर के नाते आप, सोमनाथ के इस समारोह से जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि मेरे देश की प्रकृति के अनुरूप नहीं है और इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ये 24 अप्रैल 1951 सोर्स है सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 16 पार्ट 1। बस वही तो परंपरा थी। उसके बाद